हरियाणा की शान सपना चौधरी जहां अपने गाने और अपने डांस से लोगों का दिल जीती हैं, तो उसके बाद उन्होंने भाई बिग बॉस में अपना एक अलग पहचान बनाया और अब लगातार वो अलग अलग फिल्मों में नजर आ रही हैं। हाल ही में एक नई फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ। जी हाँ, फिल्म का नाम है हंसना एक सहयोग। जी हाँ, हंसा एक सहयोग में सपना चौधरी आई ट्रेलर लॉन्चिंग के समय और उन्होंने मीडिया से तमाम सारी बातें की भाई बात। और उन्हीं बातों के बीच जब सपना चौधरी से उन राजनीति में जाने को लेकर सवाल पूछा गया और उन्होंने क्या जवाब दिया और किस तरह से हरियाणा को लेकर खुद के साथ सपना चौधरी ने जोड़ा है, चलिए सुनाते हैं इस वीडियो के जरिए। थैंक यू। आप लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। इतनी मैं दिल्ली मीडिया से तो रोज मिलती हूँ, आपसे कभी कभी मुलाकात होती है तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग देखे देखे लगते हो ना, इसलिए। हाँ बिल्कुल, ये कहानी उतनी ही ज़रूरी है जितना हम लिखते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में मेल और फीमेल, बिकॉज ये भी हमारे ज़िंदगी का एक पार्ट है, हमारी धरती का एक पार्ट है कि ये भी हमारे जैसे ही हैं। अगर हम अपने नज़रिए से देखेंगे तो हमसे अलग बिल्कुल भी नहीं है, तो इन्हें भी उतना ही रुतबा उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितना कि हमें मिलती है। ऑफकोर्स मुद्दा बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में। देखा जाता है कि स्क्रिप्ट क्या कह रही है आपकी, आप किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, और इससे अच्छा मुद्दा मेरे ख्याल से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको उठाने के लिए इंसान के अंदर बहुत गट्स होने चाहिए, और ये उन्हीं में से एक है। अगर हम इसको अपने तरीके से देखेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, वरना ये तो वही वाली बात है कि चलो भाई आई और गई, कोई लेना देना चीज़ों से नहीं होता। लेकिन अगर इंसानियत के तौर से देखोगे तो बहुत बड़ी चीज़ है और ऑफ कोर्स देखना चाहिए। आपकी फिल्म भी काफ़ी अच्छा कर रही है। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सबसे पहले तो बहुत सारे थैंक यू करूँगी मैं बहुत बड़ा कि जितने मेरे स्टार कास्ट को, मेरे प्रोड्यूसर को और ऑफ कोर्स हमारी ऑडियंस को इतना प्यार देने के लिए मूवी को, और बहुत अच्छी चल रही है। थैंक यू सो मच। जितना आप मुझे देख रहे हो उतनी लाइफ बदल गई है, बहुत ज़्यादा बदली है। और ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में मोड़ होते ही हैं, तो बिग बॉस मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मोड़ था, मोड़ है और मोड़ रहेगा हमेशा। आप लोगों के जैसे मैं स्टारडम को मैं मानती ही नहीं कि मैं कुछ हूँ। मैं हमेशा अपने आप को आप लोगों की ही नज़रों से देखती हूँ, जैसे मैं इंसान हूँ आप भी इंसान हैं, बस फर्क इतना है मैं अपना काम कर रही हूँ, आप भी अपना काम कर रहे हैं, आप पसंद करते हैं, दो चार लोग मुझे जानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं आप जैसी हूँ। शिल्पा जी का मुद्दा है, वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करे, बीजेपी करे, अभी कुछ ना कुछ मैं तो यही कहूँगी कि करते रहिए अपनी लाइफ में। और मेरी तरफ से शिल्पा जी को बहुत सारी बेस्ट विशेस कि जो भी आप कर रहे हैं आप तरक्की करें बस। मेरे को वोट्स नहीं मिलेंगे तो इस वजह से अगर मैं पॉलिटिक्स में खड़ी होंगी तो इस वजह से मैं अभी इसी काम में अच्छी हूँ। अच्छा, इसके अलावा दीपक ने जिस तरह की बिग बॉस में कहा था कि मैं अपने गांव में सुशांत को लेकर जाना चाहूँगा, अगर हरियाणा में आपको किसी को लेकर जाना हो बिग बॉस से, किसे लेकर जाना चाहिए? हरियाणा में मैं ही काफ़ी हूँ तो इसीलिए कोई नहीं जाएगा मेरे साथ, हरियाणा में मैं ही बहुत हूँ। हाँ ऑफकोर्स, ये मुद्दा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सुरेश जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि इन्होंने ये मुद्दा उठाया, और जैसे ही मूवी रिलीज हो इसको उतना ही प्यार दीजिएगा जितना कि हम अपने आप से करते हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो शायद आपको समझ में आए, क्योंकि मैंने वन लाइनर फिल्म देखी हुई है। और मैं जब इन्होंने मुझे छोटा सा सीन दिखाया था
तो उसी के बाद मैं पीछे लग गई, नहीं मुझे वन लाइनर देखना है, नहीं मुझे वन लाइनर देखना है। और वन लाइनर देखने के बाद मुझे सच में एहसास हुआ कि मुद्दा सच में बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि किन्नरों के समाज में और हमारे समाज में अंतर है, लेकिन खून तो वो ही है, इंसान वो भी है और इंसान हम भी हैं। कहा करते हैं कि जब कोई भी किन्नर पैदा होता है तो उसे समाज से अलग कर दिया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमारे समाज का ही हिस्सा है, उन्हें भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम अपने आप से करते हैं, दूसरों से करते हैं। तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मुद्दा है, अगर आप एक नज़रिए से देखेंगे और इस फिल्म को बहुत प्यार दीजिएगा, क्योंकि अब आज के टाइम में इंसान के तौर पे मुद्दा उठाना बहुत ज़रूरी हो गया अपने साथ अपने साथ मैं खुद की वैलेंटाइन हूँ, आप खाली हैं तो आप चलिए। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।